नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों का। सुपौल जिले के सदर थाना अंतर्गत करियो जमुआ टोल में 45 वर्षीय अज्ञात शख्स का शव एक कार में लावारिस अवस्था में मिला है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर भीड़ जुट गई। वहीं ग्रामीणों ने सदर थाने की पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जब तक एक अज्ञात व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती, कार सुपौल थाना क्षेत्र अंतर्गत करियो जमुआ टोल से उतर सड़क किनारे धान के खेत में पलटी हुई थी। स्थानीय ग्रामीणों ने गाड़ी में झांक कर देखा तो एक व्यक्ति मृतक पड़ा हुआ था। इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सदर SDPO कुमार इंद्र प्रकाश ने बताया है कि ग्रामीणों द्वारा एक कार बीच खेत में पलटने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एक पटना से रजिस्टर कमर्शियल कार बीच खेत में पलटी हुई थी, जिस कार की गाड़ी के बीच वाली सीट पर एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस बल द्वारा शव को गाड़ी से बाहर निकाला गया। मृतक के शरीर पर चेहरे सहित कई जगह गहरे जख्म के निशान भी हैं। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस द्वारा अभी तक मामले में की गई छानबीन के अनुसार कार किसी रोहित आजाद के नाम के कमर्शियल नंबर से रजिस्टर्ड है। संभावना जताई जा रही है कि भाड़े पर लेकर किसी ने गाड़ी में हत्या कर शव को बीच खेत में फेंक दिया। पुलिस तमाम बिंदुओं की जाँच में जुटी हुई है। ये करियो और जमुआ टोल का ये बात है। यहाँ पर ये कार पलटा हुआ था, उसमें एक लाश था और पुलिस आई, उसे सदर अस्पताल भेजा, गाड़ी को यहाँ लदवाए हैं। बाकी जांच चल रहा है, आखिर वो लड़का कहाँ का था, किस वजह से हत्या हुई या क्यों हत्या हुई, किस प्रकार से हत्या हुई, या बाहर कहीं मार दिया और यहाँ पे करियो को बदनाम करने या इस स्थल को बदनाम करने के लिए पलटा दिया। जो भी हो, मैं पुलिस कप्तान सुपौल से आग्रह करूँगा कि बेहतर जाँच हो और जो भी इसमें दोषी है वो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की हत्या, अब देखिए दरोगा की हत्या, पत्रकार की हत्या, यहाँ भी हत्या, ये हत्या का जो दौर चल रहा है इसे बंद होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, रोज आए दिन हत्या हो रही है, आज मेरे गांव में यहाँ पे हत्या हो गया, कितना दुखद बात है। इसलिए मैं जाँच मांग करता हूँ कि पूरी तरह जाँच हो, आखिर ये मामला कहाँ का था और किस प्रकार से इसकी हत्या हुई। मैं पुलिस कप्तान से आग्रह करता हूँ। कहना क्या हत्या को ये नई नहीं है, अगर सुनते हैं कि आजकल इससे पहले उधर भी घटना हुआ, दरोगा मारे जा रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं। आज ये सुबह में पता चला हमको घर पर कि ऐसे ऐसे वहाँ जो ठरका बांध पर एक आदमी को मार के स्कॉर्पियो को घुसका दिया है। हम अभी आए यहाँ पर तो देखे कि JCB से गाड़ी निकाल रही है, प्रशासन है यहाँ, पता गाड़ी को पता चला है तो कमर्शियल नंबर है और ये कमर्शियल नंबर जिनका भी हो गाड़ी, मतलब हमको स्कैनर था, स्कैनर को दिखाए तो रोशन कुमार नाम दिख रहा था, वो स्कैनर को जांच किए तो पता नहीं वो लड़का कहाँ का है, नया पहचान तो नहीं हो यार, क्योंकि पूरे चेहरा को हम तो देखे नहीं लाश को, लेकिन सुने कि पूरा हत्या की गई है। किस तरह से हत्या की गई, हमको लगता है कि इसको बेरहम से मार दिया, बेरहमी से, क्योंकि नीचे पता चला कि नीचे कुछ नहीं मारा है, सर से ऊपर पहचानने लायक नहीं रखा है। क्या कहा जाए, हमको लगता है कि सरकार अपना जाने से पहले बिहार के कितने लोगों का जान ले लेगा, जब से ये दारू बड़ा धंधा हुआ है, घटना की रफ्तार इतनी बड़ी है, दारू माफियाओं का हौसला इतना बुलंद है कि दरोगा को दरोगा नहीं समझता है, पत्रकार को पत्रकार नहीं समझता है, तो आमजन को क्या समझेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामनारायण मंडल हुआ, पूर्व सरपंच करियो, पश्चिम है और वार्ड नंबर 9 पड़ता है, उसी में घटना हुई है सड़क के किनारे। कितने बजे की घटना है ये तो नहीं बता सकते हैं कितने बजे हुआ है, रात में जो है सो घटना हुए है, लगभग 4-5 बजे लोग जाग करके आया पर पैखाना करने के लिए, तब देखा। अच्छा, हम लोगों को पता चला तब आए यहाँ। लाश कहाँ था? लाश गाड़ी में था जी। क्या नाम हुआ आपका? सिमनैन चौकीदार, सिमनैन पासवान। आप यहीं के हैं जी? अभी प्रशासन वगैरह आई हुई है जी। आप लोग क्या कर रहे हैं? यही गाड़ी को निकलवा करके फिर थाना भेज रहे हैं जी। लाश कहाँ गई है? लाश हॉस्पिटल गए हैं पोस्टमार्टम के लिए।